ये पैराइस पोर्ट में था और ये करीब करीब 2 साल का पौधा हो चुका है। और इसमें लास्ट ईयर तो फ्लावरिंग हुई थी, अभी भी बर्ड्स आई हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर पौधे में आपके पानी की कमी रहेगी तो पौधा आपका स्ट्रेस में चला जाएगा, और फिर क्या होगा, उसके पत्ते ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं और कुछ फिर उसके बाद पीले होकर झड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये पौधा डीपली शोक में है, इसलिए आजकल सबसे पहली बात यह है कि आजकल पौधों को रिपोर्ट ना करें बिल्कुल भी। लेकिन अगर ऐसी कुछ स्थिति बन जाती है तो उसके लिए तो फिर मजबूरी होती है और पौधे को रिपोर्ट करना ही पड़ता है। इसके लिए भी सबसे ज़रूरी बात यह रहेगी कि हम इसकी रूट्स को डिस्टर्ब ना करें। ये जैसे इसकी मिट्टी है और इसमें ज़्यादा इसकी रूट्स को डिस्टर्ब ना करें, जिससे कि पौधा और डिस्टर्ब ना हो। इसलिए इसको मैं हल्के से ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा दूंगा और उसके बाद इसको जो है बड़े पॉट में लगाऊंगा। तो देखते रहिए आप, मैं थोड़ा सा दोनों हाथ से पहले मिट्टी डाल लेता हूँ। मैंने ये कंटेनर लिया है इसके लिए, इसमें इसको लगाऊंगा और इसमें छेद ऑलरेडी हो रखे हैं तो मुझे छेद करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए मैं मिट्टी डाल लेता हूँ। अब अगर मिट्टी की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे गार्डन की पुरानी मिट्टी है और मैं कैसी मिट्टी यूज़ करता हूँ आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस मिट्टी में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे दोस्त हैं और आपकी गार्डन की मिट्टी में इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मिट्टी में ये मिलते हैं तो यूँ समझो कि आपकी मिट्टी बिल्कुल सक्सेस मिट्टी है। और भी होंगे इसमें, तो चलिए मैं मिट्टी भर देता हूँ पहले कंटेनर में, उसके बाद बात करता हूँ। चलिए देखते हैं पौधा इसमें कैसे आएगा। इसको थोड़ा सा और इसको उठा के इसमें रख लेंगे, घुमा के इसको। इतनी मिट्टी हमारे को हटानी पड़ेगी, ये इस पे जो निशान आया है इसको इस जगह से थोड़ा थोड़ा सा हटा दें। दोस्तों मैं अपने गार्डन में कभी भी NPK और DAP इस्तेमाल नहीं करता, मैं सिर्फ जो है गोबर की खाद और जो भी बनाना पील ओनियन पील वो सब यूज करता हूँ। और किचन का जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोस्ट करके वो सब डालता हूँ। तो चलिए मैंने इसको डाल दिया है पॉट के अंदर और अब इसमें मिट्टी भर देता हूँ। थोड़ी थोड़ी साइडों में अब इसमें जगह है और मिट्टी आ जाएगी। दोस्तों हिबिस्कस का प्लांट जो है वो एक फूडी प्लांट होता है, यानी कि आप इसको चाहे जितना भी खाने को दो ये सब हजम कर लेता है, मतलब इसकी खाने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो आप इसको अगर DAP या दूसरा आप इस्तेमाल करते हैं तो महीने में हर महीने आप इसको DAP के कुछ दाने दे सकते हैं पोट के हिसाब से। अगर आपको प्लांट 10-12 इंच के पौधे में लगा पोट में लगा है तो उसमें 5-7 दाने हर महीने DAP के डालते रहें और 1 चम्मच NPK 5 लीटर पानी में मिला के आप उसमें जड़ों में दे सकते हैं इस प्रकार से। और अगर आप ऑर्गेनिक यूज करते हैं तो आप फिर
सबसे बढ़िया गोबर की खाद है, आप गोबर की खाद उसमें डालते रहें और टाइम टाइम से आप भर के फ्लावरिंग भी करेगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। इस प्रकार से मैंने मिट्टी भर दी है, अब इसमें मैं पानी भर दूंगा और उसके बाद इसको थोड़ा सा अभी छाया में ही रखना पड़ेगा एक दो दिन, उसके बाद इसको फुल सनलाइट में रख देंगे। इस प्रकार से थोड़ा इसको साफ करके, और एक बात और, आप पौधे की जड़ों को थोड़ा सा ऊपर से ओपन रखें जिससे कि आप जो भी कंपोस्ट देखते हैं वो तुरंत ऑब्जर्व कर लें। और इसमें सबसे मैंने पर वो देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी थोड़ी सी जड़ें खुली होती हैं तो पौधा ग्रोथ जल्दी पकड़ता है। तो अपने पेड़ पौधों का ख्याल रखिए और इस प्रकार से थोड़ा मिट्टी भर के इसमें और ज़्यादा सी चलिए अब इसमें मैं पानी भर देता हूँ। और आपको जो भी किचन वेस्ट होता है आप उसको अपने गार्डन में यूज़ करें और उसको बेहतर खाद के विकल्प के रूप में आप उसको इस्तेमाल करें, इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आपकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब आप जो पानी डालें वो उसको तुरंत सोख लें। इस प्रकार से मिट्टी तैयार करें। और ये मेरी पुरानी मिट्टी है गार्डन सॉइल, इसमें जो है मैंने गोबर की खाद और मेरा जो भी किचन वेस्ट निकलता है मैं वो सब इसमें डालता रहता हूँ, और उसी की वजह है कि इसमें आपको ये केंचुए देखने को मिलते हैं। और जो केंचुए हैं वो हमारे सबसे बड़े साथी हैं, वो हमारे पौधे को जो है उसके विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि जो चीज़ केंचुए की खाद में मिलती है वो आप बाज़ार से किसी उसमें नहीं खरीद सकते, ये हमारे नेचुरल फ्रेंड हैं। इसलिए आप अपना जो किचन का वेस्ट है, एक तो सबसे बेस्ट मैनेजमेंट बनता है उसका, क्या आपका वो जो किचन वेस्ट है वो आपका बाहर नहीं जाएगा और जो आप उसको एक अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, उससे अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। तो इस प्रकार से पानी डाल दिया इसमें और वो पानी जो है मिट्टी अपना पूरा सोख भी रही है, आप देख रहे हो साथ के साथ, और मैं उतना ही पानी डाल रहा हूँ इसमें जितना मिट्टी सोख रही है। ऐसी मिट्टी तैयार करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, अपना ख्याल रखिए, अपने पेड़ पौधों का ख्याल रखिए। और हाँ, जैसे आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है तो दोस्तों एक पौधा अवश्य लगाएं।